बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस्म पर टैटू बनवाना कैसा है या जिस्म पर गुदना गुदवाना कैसा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने हाथ, अपने पैर, अपनी गर्दन, अपनी पीठ, अपने सीने में, अपनी पूरी पीठ में या पूरे जिस्म में ही परमानेंट टैटू बनवा लेते हैं या गुदना गुदवा लेते हैं, जो कि परमानेंट होते हैं, मिटाए नहीं मिटते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि यदि किसी इंसान ने टैटू बनवा लिया या गुदना गुदवा लिया तो क्या गुस्ल होगा या नहीं होगा, या टैटू बनवाने के बाद उसका वजू होगा या नहीं होगा, नमाज उससे होगी या नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, जो लोग अपने हाथ, पैर या पूरे जिस्म पर टैटू गुदवाते हैं या टैटू बनवाते हैं, तो ऐसे लोगों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। हमें ऐसे गलत कामों से बचना चाहिए। मान लीजिए कि फैशन या अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में टैटू तो बनवा लिया या गुदना गुदवा लिया, और बाद में समझ आया कि यह तो लानती काम है, गलत काम है, अब पछतावा हो रहा है, तो अब क्या करें, कैसे तौबा करें, माफ़ी कैसे मांगें, और ऐसी हालत में गुस्ल और वजू होगा या नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, गुस्ल के फ़राइज़ में से है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, बाल की नोक के बराबर का भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए, और यदि कोई बारीक सा भी हिस्सा सूखा रह जाता है तो गुस्ल नहीं होगा। और जो लोग जिस्म पर परमानेंट टैटू बनवा लेते हैं, इसकी स्याही चमड़ी की एक लेयर से दूसरी लेयर तक चली जाती है, जो कि जिस्म और पानी के बीच रुकावट बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन में गुस्ल नहीं होगा, अब क्या करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि परमानेंट टैटू को मिटवाने की कोशिश करें, लेज़र थेरेपी लें। यदि उससे परमानेंट टैटू मिट जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं मिटता है तो अल्लाह से अपनी गलती की दिल से माफ़ी मांगें, तौबा करें, और उसी हालत में गुस्ल और वजू करते जाएं और नमाज भी पढ़ते रहें। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होएं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। और ऐसे लोग जो टैटू बनवाने या गुदना गुदवाने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ भी टैटू बनवाने से बचें। उम्मीद है कि आपको यह मसला समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।